नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइन। बांसई के नकली नोटों के साथ तीन व्यक्ति गिरफ्तार। खगड़िया जिले के राजगंज थाने की पुलिस को गुरुवार को एक बड़ी कामयाबी मिली। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर राजगंज के बुटकीरहाट इलाके से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों के पास से 500 रुपए के 52 नकली नोट बरामद किए गए। गिरफ्तार लोगों को शुक्रवार को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। इसके अलावा दुर्घटनाओं में राजगंज थाने पुलिस के बाइक व ई रिक्शा चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया है। सिलीगुड़ी महकमा परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने किया सड़क निर्माण का शिलान्यास। सिलीगुड़ी महकमा परिषद के कार्यकारी अधिकारी किशोरी मोहन सिंह ने ग्रामीणों की सुविधा के लिए सड़क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। खोरीबाड़ी के गाजी जोत संसद में गुरुवार को पश्चिम पताराम जोत में 3,24,000 रुपए की लागत से 211 मीटर सड़क का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में खोरीबाड़ी पंचायत समिति के सदस्य एवं अन्य उपस्थित थे। किशोरी मोहन सिंह ने कहा, लंबे समय से इलाके में सड़क नहीं थी, आम लोगों की सुविधा के लिए सड़क का शिलान्यास किया गया है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क नहीं होने के कारण उन्हें लंबे समय से परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। प्रधान नगर थाना अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसका उद्घाटन पुलिस आयुक्त ने किया है। सिलीगुड़ी प्रधान नगर पुलिस थाना अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्त अखिलेश चतुर्वेदी ने सिलीगुड़ी प्रधान नगर थाने में कैमरों का विधिवत उद्घाटन किया, साथ ही निगरानी कक्ष का उद्घाटन भी किया गया। मालूम हो कि इस दिन कुल 75 नए कैमरे का उद्घाटन किया गया था। इनमें चंपासरी मोड़ से तीन दरिया मोड़ तक 30, सर्किट हाउस मोड़ से समन नगर बट्टला मोड़ तक 16 और दार्जिलिंग मोड़ से इलापाल स्कूल मोड़ तक 29 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। इन कैमरों की निगरानी के लिए प्रधान नगर थाने में निगरानी कक्ष बनाया गया है। ज्ञात हुआ है कि सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न स्थानों और थानों में और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उद्घाटन समारोह में पुलिस कमिश्नर अखिलेश चतुर्वेदी के अलावा डीसीपी जोय टुडू, एडीसीपी सुबेंद्र कुमार, ट्रैफिक डीसीपी अभिषेक गुप्ता समेत अन्य की मौजूदगी थी। देर रात आई आंधी तूफान में सिलीगुड़ी महकमा के विभिन्न इलाके प्रभावित। सिलीगुड़ी महकमा के बट्टला इलाके में आंधी तूफान के चलते देर रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेड़ गिरने से कई घंटे तक यातायात बाधित रहा। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और बिजली विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और पेड़ को साफ कर दिया। शुक्रवार सुबह तक आवाजाही सामान्य हो सकी। न्यू जलपाईगुड़ी थाना क्षेत्र के हरिपुर से सटे ग्वाला बस्ती स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर में हनुमान जी का अष्ट प्रहर नाम उत्सव बड़ी धूमधाम से आयोजित किया गया। ये उत्सव लगातार 3 दिनों तक चलेगी। गुरुवार सुबह भक्तों ने कलश यात्रा के साथ उत्सव का शुभारंभ किया। यह कलश यात्रा ग्वाला बस्ती साउथ कॉलोनी से होती हुई सिपाही पाड़ा फूलबाड़ी नहर से पानी भरकर वापस मंदिर पहुंचकर समाप्त होगी। मंदिर समिति के एक सदस्य ने बताया कि हर साल इसी दिन से वे संकट मोचन हनुमान जी का अष्ट प्रहर नाम गान शुरू करते हैं। इस उत्सव में शामिल होने के लिए सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालु आते हैं। गुरुवार को कलश यात्रा के साथ उत्सव की शुरुआत हुई। इसके बाद शुक्रवार को हनुमान जी का अष्ट प्रहार नाम कीर्तन होगा। शनिवार को महाआरती के साथ महोत्सव का समापन होगा। INTTUC की पहल पर तसाती चाय बगान में गेट मीटिंग का आयोजन। तृणमूल कांग्रेस ने गुरुवार की सुबह अलीपुरद्वार जिले के फालाकटा ब्लॉक के तसाती चाय बगान में गेट मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें चाय बगान कर्मियों के वेतन में वृद्धि और कई अन्य मांगों को लेकर आवाज उठाई गई। गेट मीटिंग का आयोजन तृणमूल कांग्रेस के मजदूर संघ INTTUC की पहल पर किया गया था। गेट मीटिंग में मजदूर नेता राबिन राय, रामचंद्र लोहार, शिरिल बागवार, अनंत खड़िया व अन्य मौजूद थे। देश से वन विभाग ने चलाया सफाई अभियान। प्लास्टिक मुक्त और प्रदूषण मुक्त वातावरण बनाने के उद्देश्य से बागडोगरा वन विभाग ने विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के साथ मिलकर बागडोगरा टीपू खोला इको टूरिज्म स्पॉट पर सफाई अभियान चलाया। गुरुवार को जगह जगह बिखरे प्लास्टिक और कचड़े को साफ कर क्षेत्र की सफाई की गई है। इस कार्यक्रम में प्लास्टिक मुक्त वातावरण बनाने का संदेश दिया गया है। इस आयोजन में कालीपाद घोष तराय महाविद्यालय के NSS यूनिट 1 और यूनिट 2 के छात्रा और केंद्रीय वन बस्ती क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह के सदस्य शामिल हुए। इस कार्यक्रम में खरसंग डिवीजन के ADFO भूपेन विश्वकर्मा, बागडोगरा फॉरेस्ट रेंजर समीरन राज, NWU के अध्यक्ष अनुजीत बसु, NSS यूनिट के छात्र व समूह के सदस्य मौजूद रहे। कुख्यात अपराधी के साथ पुलिस की मुठभेड़। इलाके में सनसनी शीतलकुसी प्रखंड के नगर नेपरा गांव में बीती रात
पुलिस के साथ एक कुख्यात अपराधी की मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को पकड़ने के लिए 6 राउंड फायरिंग की, तो जवाब में आरोपी ने भी अंधाधुंध गोलियां चलाई। आरोपी की इस घटना में एक पुलिस अधिकारी घायल हो गए हैं। बीती रात पुलिस को खबर मिली कि अजीजुल मियां नाम के कुख्यात अपराधी अपने परिवार से मिलने घर लौटा है। अजीजुल मियां गाय तस्करी और फायरिंग समेत कई मामलों में वांछित थे। करीब कल 10:30 बजे सीतलकोसी पुलिस स्टेशन की ओर से मृत्युंजय चक्रवर्ती के नेतृत्व में एक बड़ी पुलिस फोर्स ने अजीजुल मियां के घर को घेर लिया। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया तो अजीजुल मियां और उनका एक साथी घर के पीछे दीवार पर चढ़ गए। पुलिस से घिरे हुए होने का आभास होते ही बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सीतलकोसी थाने की पुलिस ने भी बारी बारी से 6 राउंड फायरिंग की। अंधेरे का फायदा उठाते हुए अजीजुल मियां फरार हो गया। घटना को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सुधानी नदी में डूबे एक ही परिवार के 3 बच्चे। मृतकों के नाम रोजीना खातून 9 वर्षीय, तसीना खातून 7 वर्षीय और मोहम्मद रिजुआनू 4 वर्षीय है। इनका घर उत्तर दिनाजपुर के करंडीगी थाने के 2 मोहनी ग्राम पंचायत के पश्चिम चौंगरा गांव में है। स्थानीय सूत्रों के मुताबिक सुबह 4 बच्चे घर से थोड़ी दूर सुधानी नदी में नहाने गए थे। इनमें से 3 भाई बहन और एक पड़ोसी रिश्तेदार का बच्चा था। वहीं तीनों भाई बहन में से एक बहन नदी के गहरे पानी में गिर गई। जब बड़ी बहन अपने छोटे भाई को गोद में लेकर उसे बचाने गई तो वो भी डूब गए। ग्रामीणों ने जब उन्हें देखा तो आनन फानन में उन्हें पानी से निकाला और करंडीगी ग्रामीण अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस बीच परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए तीनों शवों को लेकर घर चले गए। हालांकि इस मौसम में सुधानी नदी में ज्यादा पानी नहीं रहता है, इसलिए बच्चों के खुद डूबने पर सवाल उठने लगे हैं। करंडीगी थाने की पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। रहवासियों का आरोप है कि रेत माफिया अवैध रूप से नदी से रेत निकालने का धंधा चला रहे हैं, इसलिए नदियों में बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि गड्ढे में गिरने से ही बच्चों की मौत हुई है। सिलीगुड़ी नगर निगम ने अवैध होर्डिंग के खिलाफ चलाया अभियान। सिलीगुड़ी नगर निगम ने अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान चलाया। सिलीगुड़ी के सालूगढ़ा क्षेत्र में लगे अवैध होर्डिंग को गुरुवार को नगर निगम द्वारा हटा दिया गया। पिछले काफी समय से शहर में जहां तहां लगे अवैध होर्डिंग से शहर की सुंदरता नष्ट हो रही है। इस तरह की शिकायतें मिलने के बाद मेयर राजेश प्रसाद शाह की उपस्थिति में अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान चलाया गया। नगर निगम की ओर से बताया गया है कि इस तरह के ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे। 20 वर्षों से जर्जर पड़ी सड़क की मरम्मती की मांग में ग्रामीणों ने शुरू किया आंदोलन। 20 वर्षों से जर्जर पड़ी सड़क की मरम्मती की मांग को लेकर ग्रामीणों ने आखिरकार आंदोलन शुरू कर दिया। सड़क पर टायर जलाकर विरोध जताया गया। घटना रायगंज थाना अंतर्गत बिंदोल ग्राम पंचायत के परिहापुर क्षेत्र की है। स्थानीय निवासियों ने शिकायत की है कि 20 साल से इस सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। बिंदोल चौरस्ता मोड़ से सीमावर्ती क्षेत्र कोयला डांगी तक करीब 3 किलोमीटर सड़क जर्जर हालत में पड़ी है। हालांकि इस सड़क के निर्माण को लेकर बार बार प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई पहल नहीं की गई। खराब सड़कों के कारण आम लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि सीमा प्रहरियों को भी सीमावर्ती क्षेत्रों में काफी घूमकर जाना पड़ता है। जब मतदान का यह समय आता है तो सभी दलों के नेता आते हैं और वादा करके चले जाते हैं, लेकिन मतदान के बाद वे फिर कभी नहीं मिलते। इसीलिए आखिरकार लोगों ने आंदोलन का रुख किया। सड़क जाम का टायर जलाकर विरोध जताया गया। ग्रामीणों ने अगले पंचायत चुनाव से पहले सड़क का काम नहीं होने पर बड़े आंदोलन के साथ साथ मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी है।